हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज मैं आपके संग में ये वाली वाइन कलर की जो साड़ी है, मैं इसको स्टाइल करके दिखाने वाली हूँ। और अभी यहाँ पे दोस्तों दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं और बहुत सारे ऐसे भी फंक्शंस भी होते हैं घर में, जो आप इनको इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको स्टाइल किया है। ये वाइन कलर की साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, द कलर कॉम्बिनेशन इज़ रियली नाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ। एज यूजली यू नो गाइज कि आई लव स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंड आप जब भी अपना स्किन केयर अच्छे से करते हो तो आपका मेकअप उतना ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे लानेज का यहाँ पे टोनर अप्लाई किया है, कि बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे द फेस शॉप का इमल्शन अप्लाई किया है चिया सीड एंड विटामिन B12 की कॉम्बिनेशन के साथ में। एंड आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग हेयर दैट द सनस्क्रीन फ्रॉम द डॉट एंड की ब्रांड, एंड दिस इज वाटरमेलन एंड कूलिंग इफेक्ट्स के संग में है। तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे अफोर्डेबल के साथ साथ। सनस्क्रीन जो दोस्तों आप हमेशा अप्लाई करो, एंड दिस इज वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर स्किन। एंड यह बहुत ही अच्छे से आप अपने इसको नेक पे, फेस पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पे अपने फाउंडेशन की तरफ मूव ऑन कर रही हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कीरो ब्यूटी का लिक्विड ग्लोई फाउंडेशन है। ये बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, जब से मैंने इसको ट्राई किया है आई एम इन लव विद दिस फाउंडेशन, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी यू गिव यू वेरी नेचुरल एंड सटल काइंड ऑफ फिनिश। दिस इज़ नॉट वेरी मच कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगे, एंड बहुत ही काइंड ऑफ स्किन टेंट इज देयर। सो मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग द लूज पाउडर और यू कैन से ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम द ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ कवरेज, बट इट विल गिव यू अ मैटिफाइंग काइंड ऑफ लुक। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेलो वाइन शेड है दोस्तों। ये ब्लश है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैं अपने ऑल ओवर आईज पे एंड अपने चीक्स पे, नोज पे, चिन पे मैंने अप्लाई कर लिया है। एक काइंड ऑफ कि आप कह सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा सा लुक आता है ऐसा करने के बाद में। फिर मैं यहाँ पे फेसेस कैनेडा का जो आई शेडो पैलेट है उसमें से दोस्तों मैंने ये मोनोक्रोमेटिक काइंड ऑफ शेड लिया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था और इस साड़ी के संग में भी दोस्तों बहुत अच्छे से मैचअप हो रहा था। सो ये मैंने बहुत ही सिंपल सटल सा मेकअप मैं आपके संग में शेयर कर रही हूँ। इसको हर कोई अचीव कर सकता है दोस्तों, इतना ज़्यादा ईजी है और ये मेकअप करना बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ये भी अगेन फ्रॉम द ब्रांड फेसेस कैनेडा है। इसके काजुअल आई लाइनर मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, एंड इसकी जो टिप है ना वो बहुत ही अच्छी है। आप इसे पतले से पतला काजल एंड मोटे से मोटा काजल भी आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे स्काई हाई मस्कारा अप्लाई किया है लॉरियल का शुगर की। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने लोअर वाटर लाइन पे एंड अपने अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करके काजल अप्लाई कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। एंड ये काजल काफ़ी अच्छा है, मुझे फेवरेट है मेरे कुछ काजल, लाइक फेसेस कैनेडा का हो गया एंड ये शुगर कॉस्मेटिक। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने ईयरिंग्स पहन लिए हैं, मैचिंग बिंदी अप्लाई कर ली है। फिर मुझे लगा कि मैंने अपनी आईब्रोज़ को छोड़ दिया है, तो मैं उसको भी फिल आउट कर ले रही हूँ बहुत ही हल्का सा नेचुरल फिनिश के लिए। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे अपने मैचिंग बैंगल्स पहन रही हूँ, कंगन पहन रही हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपके पास ये कोई डार्क कलर की लिपस्टिक है, मैंने यहाँ पे कीरो की लगाई हुई है, ये मुझे ब्रांड ने भेजी थी, बट ये मुझे इसका शेड इतना पसंद नहीं था। और उसके बाद में आप एक लाइट कलर की शेड की लिपस्टिक ले लो और उसको मिक्स एंड मैच करके आप एक नया कलर बना सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल शेड, एंड आई जस्ट लव दिस कॉम्बिनेशन गाइज। आई एम टेलिंग यू दीज टू लिपस्टिक्स आर माई फेवरेट राइट नाउ। एंड जो दूसरी वाली जो मैंने लिपस्टिक लगाई थी वो थी दोस्तों शुगर कॉस्मेटिक की। उसके बाद मैंने अपनी टाइटन रागा की वॉच पहन ली है, एंड आफ्टर दैट आई एम अप्लाइंग माय न्यू परफ्यूम जो कि मैंने अपने भाई से मंगवाया था, वो दुबई गया हुआ था, वहाँ से लेके आया था। एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, आई जस्ट लव इट। एंड आप इसको देख सकते हो मैं इसको कैसे किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। सो या मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है दोस्तों, एंड बहुत जल्दी मैं परफ्यूम्स की भी वीडियोस आपके संग में ज़रूर शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी ऑल्सो, एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड ये साड़ी कैसी लग रही है, मैचिंग पर्स भी मेरे पास रखा हुआ है। सो आई जस्ट लव दिस, एंड ये ओवरऑल जो मेकअप टर्न आउट होके आया है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा एंड बहुत ही सिंपल सा दोस्तों मेकअप, ऐसे हर कोई अचीव कर सकता है। सो या गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।